तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चबाने चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम सभी तुलसी के बारे में जानते हैं। अक्सर आप सभी ने सुना होगा IMC की श्री तुलसी के बारे में। ये IMC की श्री तुलसी 5 प्रकार की तुलसियों से मिलकर बनी हुई है। 5 प्रकार की तुलसियों का सत्य इसके अंदर डाला गया है, जैसे कि राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी एंड श्वेत सुरसा तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसियों का सत्य डालकर एक ड्रॉप फॉर्म इसे बनाया गया है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जैसा कि हम घर के अंदर तुलसी का पौधा रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि हम ड्रॉप फॉर्म ना लेकर हम तुलसी की पत्तियाँ भी चबा सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे क्या वो तुलसी की पत्तियाँ चबाना हमारे लिए सही है। तुलसी में बहुत सारी तत्व होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, लेकिन एक खास चीज जो इसमें होती है वो है पारा। पारा यानी पारद। ये पारा जो होता है ना, इसके अंदर होता तो बहुत कम मात्रा में है, खाने से कोई बंदा मरेगा नहीं। हालांकि पारा जहर होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो एक अमृत का काम करता है, औषधि का काम करता है। लेकिन अगर आप इसे चबाएंगे तो कहीं गलती से भी वो किसी कोने में, दांत के किसी कोने में लगी रह गई या किसी दाढ़ में फंस गई। आपने जानबूझकर नहीं फंसाई, लेकिन वो फंसी रह गई और रात भर फंसी रह गई या दिन भर फंसी रह गई। तो ये पारा जो इस तुलसी के पत्तों में होता है, ये जो तुलसी आप देख रहे हैं मेरे पास में, इस कई तरह की होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, तो कोई भी तुलसी हो चाहे, तो इसमें जो पारा होता है वो दांतों को कीड़ा लग जाएगा, उससे दांत सड़ जाएंगे, इसलिए इसके पत्तों को कभी ना चबाएं। क्या यदि आपको IMC से जुड़ना है या इसका आउटलेट खोलना है तो आप संपर्क कर सकते हैं।